बीजेपी ने नीतीश के साथ कर दिया खेल, जेडीयू में होगी बगावत। सीट बंटवारे में नीतीश और उनके करीबी पारस को बीजेपी ने दिखा दी जमीन। पारस गुट को बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार के कोटे में भी कर दी भारी कटौती। नीतीश कुमार की इस बार पलटी मारने की नीति के चलते अब उन पर किसी भी दल को भरोसा नहीं रहा है। लालू यादव की ओर से नीतीश को फिर से ऑफर दे दिया गया है कि वो अगर पलटी मारकर महागठबंधन में आएंगे तो उनका स्वागत ही किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चाचा सुबह के भूले शाम को लौटते हैं तो हम उन्हें अपना लेंगे और इस बार तो नीतीश को सरकार चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देंगे। आरजेडी अपने कोटे से किसी को भी मंत्री नहीं बनाएगी, जैसे नीतीश को सरकार चलाना हो वैसे चलाएंगे, लेकिन बस बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लें। तो दूसरी तरफ बीजेपी में नीतीश को लेकर नाराजगी ही दिख रही है। बीजेपी हाईकमान ने भी नीतीश पर दबाव बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार और उनके करीबी रहे पशुपति पारस को होते दिखाई दे रहा है। दरअसल चर्चा है कि जेडीयू बिहार लोकसभा चुनाव में एनडीए से 17 सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि पशुपति पारस की ओर से 6 सीटें मांगी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी दोनों में से किसी की मांग को मानने को तैयार नहीं हो रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से 12 से 15 सीटों के अंदर समेटने की चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश को किसी भी हाल में 15 से ज्यादा सीट नहीं दी जाएंगी। कोशिश तो 12 पर ही रोकने की है और इसलिए जेडीयू को बीजेपी की ओर से 12 सीटों की पेशकश की गई है। बदले में नीतीश कुमार की विधानसभा भंग करने की मांग को स्वीकार करने के लिए बीजेपी तैयार है। साथ ही विधानसभा चुनाव में इसके बदले में बराबरी का बंटवारा करने की मांग भी बीजेपी हाईकमान स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन बदले में जेडीयू को सिर्फ 12 सीट ही दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये, बीजेपी इसमें भी 2 से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार जेडीयू के सिंबल पर लड़ाने का दबाव नीतीश पर बना रही है, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। साफ है बीजेपी के साथ आकर नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं फंस गए हैं बल्कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पशुपति को एक भी सीट नहीं देने की तैयारी कर ली है। जी हां, पशुपति भले ही एलजेपी की सभी 6 सीटों पर दावेदारी कर रहे हों, लेकिन बीजेपी रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान की दावेदारी स्वीकार कर रही है। पशुपति पारस को उसने किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस को कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऑफर दिया गया है। साथ ही प्रिंस पासवान को भी बीजेपी कमल चुनाव चिन्ह पर उतारने को तैयार है, लेकिन पारस की पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। इसी तरह से जीतन राम मांझी को सरकार बचाने का इनाम जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मांझी की पार्टी हमको एक और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी को 2 सीट देने की तैयारी में है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी आर को 5 सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। मांझी, कुशवाहा और चिराग तीनों ने ही बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। बात नीतीश और पशुपति पारस को लेकर फंसी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में तो साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 2019 के 17 सीटों को अपने पास रखेगी। वो इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी कम से कम 20 सीटें अपने पास रखना चाहती है और बची सीटों का बंटवारा सहयोगी दलों के बीच करना चाहती है। साफ है बीजेपी की तरफ से सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सामने रखा गया है उसमें सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को ही लगता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।